स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक लेंगे हम गतिशीलता, वैद्युत प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। इन टॉपिकों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं गतिशीलता। आखिर गतिशीलता होती क्या है? हमने पहले आपको बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है? जो बाहरी कक्षाओं में, चालक की बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बारे में पहले पूरा विस्तार पूर्वक हमने बताया है। अभी हमारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी चालक में जैसे धारा बह रही है, तो धारा किसके द्वारा बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो धारा बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इसी कारण उससे क्या होती है? धारा बहती है। जब आवेश जा रहा है, कौन ले जा रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही हम आवेश वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश वाहक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो अब बात आ जाती है कि गतिशीलता क्या होती है। तो मान लीजिए कहीं पे आपका चालक में हमने वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मान लीजिए ये चालक है और हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, तो ये बैटरी से जोड़ दिया, तो देखो जरा किधर चलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन? देखो हमेशा धारा जो होती है वो पॉजिटिव से चलेगी, तो धारा जो जाएगी पॉजिटिव से जाएगी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक बात यहां से एक चीज और पता चल रही है, धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा विपरीत होती है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो धारा इधर से इधर जाएगी। कहने का तात्पर्य ये, यदि धारा इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन और धारा के बीच में जो गति की दिशा होती है वो एक दूसरे से विपरीत होती है। या इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे तो धारा नीचे आ रही होगी, राइट? तो अब बात आ जाती है यहाँ पे, जब हमने किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया तो वहां पे धारा बहने लगी, धारा बही तो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आवेश को ले जाने लगे। इलेक्ट्रॉन जब ले जाते हैं तो उनका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो वो जो वेग है, मान लीजिए एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जितना अनुगमन वेग होता है वही उसकी गतिशीलता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जितना वेग, अनुगमन वेग होता है वही उस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाती है। क्लियर? अब बात आ जाती है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध, दो प्रतिरोध का मतलब होता है, एक वर्ड में हम बोले तो रुकावट। क्या? रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। यानी किसी चीज में, किसी भी कार्य में, किसी भी क्रिया में रुकावट यानी बाधा उत्पन्न होना, वो प्रतिरोध होता है। तो हम इसको वैद्युत प्रतिरोध है, तो जाहिर सी बात है कि वैद्युत धारा में रुकावट या जो भी वैद्युत है उसमें रुकावट, तो इसीलिए हम एक वर्ड में हम बोलना चाहें तो इसको कह सकते हैं वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या उत्पन्न रुकावट या उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ये फिजिक्स में आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? तो R बराबर होता है V/I। जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं या विभव स्थापित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है? ये धारा बहने लगी, इसमें I, और इसको हमने क्या दिया था? V। तो अब इसकी परिभाषा बनी, ये क्या है? विभवांतर। कहाँ का विभवांतर? चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है। तो इसमें ये क्या है? ये इसकी धारा है। तो अब इसकी देखो स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होगी, जब किसी चालक में विभव स्थापित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, तब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर तथा वैद्युत धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। क्यों? क्योंकि V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। या इसको एक वर्ड में बोले तो क्या होता है? ओम होता है। इसका विमा कितनी है? M, L की पावर 2, T की पावर -3 और A की पावर -2 होती है। अब ये राइट, ये आया समझ में आपको? क्लियर? अब बात आ जाती है आपका वैद्युत प्रतिरोध, क्लियर हो गया। अब आ जाती है चालकता।
या वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता होती क्या है? वैद्युत चालकता देखो, वन अपॉन प्रतिरोध लिखा हुआ है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो वन अपॉन में आ जाता है तो क्या हुआ, व्युत्क्रम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता, वैद्युत चालकता कहते हैं। अब आती है चालकता। चालकता के बारे में बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, क्या है, वन अपॉन प्रतिरोध लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, प्रतिरोध उल्टा हो गया, यानी कि वन अपॉन यानी कि व्युत्क्रम, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसलिए इसमें वैद्युत लगा लो तो क्या हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये इसकी डिफाइन हो गई, जो भी है इसका उल्टा कर देंगे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी, क्योंकि ये क्लियर, ये हो गया वैद्युत चालकता। अब आ जाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक नंबर में परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये इसको कर लेना। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, देखो जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत प्रतिरोध की डिफाइन हमने दी, अब क्या आ जाती है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या देखिए, ये क्या है, जब चालक में वैद्युत क्षेत्र हमने स्थापित कर दिया तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, वहां पर क्या होगी, धारा घनत्व भी होगा। तो इसमें दो तरीके से इसको डिफाइन करना है हमें, कि चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से, चालक में, चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है, देखो जब हम ई का, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है वी अपॉन एल, और जे बराबर क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए, ये पहले हम बता चुके हैं। ये दोनों वैल्यू यहां पर रखोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर v अपॉन एल और नीचे i अपॉन a, ये अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो ये v अपॉन एल हो गया, और इसको उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, i नीचे रह जाएगा, ये हो गया, तो v a अपॉन क्या हो जाएगा, v a अपॉन एल इंटू ए और आई। अब देखो जरा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखिए, आई को मैं इसके नीचे लिख दूं, v अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल, और v अपॉन आई को हमने क्या बोला है, v अपॉन आई को r बोला है, तो रो बराबर क्या हो गया, r इंटू ए और l, ये हो गया। और यदि ये इसका प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध निकल आया। यहां से हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें तो दिखाई दे रहा होगा यहां से आपको, कि यदि मैं इस फॉर्मूले को यहां पे इस तरीके से लिखूं, ए बराबर तो ले लूं एक मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एल बराबर हमें रख दूं एक मीटर, तो रो बराबर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये क्या है आपका, प्रतिरोध है। तो यहां से एक और परिभाषा बन रही है विशिष्ट प्रतिरोध की, देखिएगा क्या, कि एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तथा एक मीटर लंबे तार का या चालक का जितना वैद्युत प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो क्लियर हुआ कि एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा एक मीटर लंबे तार का जितना वैद्युत प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या वही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध में एक अंतर आ गया आपका, क्या, वैद्युत प्रतिरोध में कोई लिमिट नहीं दी है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में एक लिमिट होती है, क्या, कि एक मीटर लंबे तथा एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तार का जितना वैद्युत प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या वही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर। अब ये आपको, ये जो यहाँ तक ये समीकरण है, ये आपका यहाँ से एक संबंध बनना है, आपका संबंध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत प्रतिरोध में संबंध, ये विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत प्रतिरोध में ये संबंध हो गया। ये यहां तक भी पूछ सकता है, एक नंबर में, ये दो नंबर पूछे, ये आपको पूरा कर लेना, ये आपका टॉपिक इंपोर्टेंट है।